समय वेस्ट मत करो। और भी कैंप बने हैं गुरु। ये कौन है? हमारे गांव में चड्डी बनियान पहनने वाली लड़की कहां से आ गई? कम ऑन मैन। ए विलेज ब्यूटी, बदन पे सितारे लपेटे हुए जाने तमन्ना कहां जा रही हो? जरा अपना नाम तो बता दो। बेचारी गूंगी लगती है। तो फिर तो सही है ना यार, अगर हमने कुछ किया तो ये किसी को बता भी नहीं पाएगी। हेलो, मेरे साथ चलोगी क्या? बॉस हमारे साथ बोलो ना। ठीक है भाई, हमारे साथ। ए सुनना, अगर तू हमारे साथ आएगी तो बाय गॉड तुझे सब कुछ मिलेगा, बहुत मजा आएगा। What do you say, ब्यूटी? इस खेल में हारा भी तो जीतने जैसा है। सुपर भाई। गाइस, ये पब्लिक रोड है। सो? यहाँ लोग आ जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सो लेट्स गो देयर। वाओ! लेट्स गो! बॉस फर्स्ट कौन जाएगा? बॉस मैं कैप्टन हूँ तो ओपनिंग भी मैं ही करूँगा। सब आ जाओ। अरे वाह, ऐसी लड़की पहली बार देखी है यार। बाद अगर किसी लड़की को छेड़ा या रास्ते में किसी लड़की को परेशान किया ना, तो तू लड़का कहलाने के लायक भी नहीं रहेगा। अरे मेरा घर आ गया। नमस्कार भाई। पूरा बदन दर्द कर रहा है। मेरे डैडी को बताना मत। ठीक है भाई। मालिक, अरे लकी भैया आ गए। Yes. अब, अरे सोमा जी, आज तू भी थोड़ी सी मार ले। रहने दीजिए, मुझे शर्म आती है। कह रहा हूँ ना, थोड़ी सी पी ले। कहा ना छोड़िए मालिक। अबे चूहे, तू तो शेर जैसे गुर्रा रहा है। अरे बेटे, मैंने तुझे गांव में किस लिए बुलाया है तुझे पता है ना? एक लड़की का रेप करने के लिए। ये क्या, ऐसी बात कोई अपने बेटे से बोलता है क्या? डैडी, पिता के कहने पर श्री राम जी जंगल गए थे। मैं आपके लिए इतना नहीं कर सकता। आप बस लड़की बताओ। I mean, who's that girl? बताता हूँ, आजा। लेकिन उससे पहले मैं जो तुझे बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुन। इस रेप की कीमत है पूरे 400 एकड़ जमीन, करोड़ों रुपए के हीरे जवाहरात और ढेर सारा कैश। 400 एकड़ जमीन? क्या हुआ,
विश्वास नहीं हो रहा है क्या? एक बार उस लड़की का पेट अगर बाहर आ गया ना, तो उसका बाप आकर मेरे पैर पकड़ेगा। फिर मैं उससे कहूंगा, सुन ले, जब तक वो पूरी जमीन तू मेरे नाम लिखकर नहीं देता, मैं अपने बेटे की शादी तेरी बेटी से नहीं कराऊंगा। फिर वो सारी जायदाद हमें लिख देगा। आहा, क्या हुआ? तेरे जैसा बाप कहा और कहा तेरे जैसा बेटा। ऐसे गए गुजरे बाप बेटे कहाँ होंगे? डैड, मैं अभी जाकर काम खत्म कर देता हूँ, जाऊँ क्या? धीरज रख, धीरज रख। सुन बेटे, पहले जरा तैयार हो जा। उसके घर का एड्रेस, जाना कैसे है, वो लड़की सोती कहाँ पे है, सब कुछ हमारा सोमा बता देगा। फिर काम पे लग। डन। इतने दिनों से मैं सारे काम कमीशन के लिए करता था, लेकिन अब। क्यों भाई, तू ठीक है ना? ये कौन है? हाँ, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, आप ठीक है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। वेंकटेश, तू आज यहाँ जो खाना है खा ले, बिल मैं भरूंगा। अरे वाह, शर्माना नहीं है। अच्छा, मैं चलता हूँ। मुझे बटन बिरयानी, तुम्हें भी बाद में बोलूंगा। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है ये, मैं तो इसे पकड़ के ही रहूंगा। सोमा, इतना टाइम हो गया, मेरा बेटा अभी तक आया क्यों नहीं? अरे वो आ जाएगा मालिक, भूखे शेर को अगर शिकार मिल जाए तो बिना खाए बाहर कैसे आ जाएगा? अबे क्या कह रहा है, इतनी बड़ी रात काफी नहीं थी जो वो सुबह भी? आपने ही तो कहा था हा? कि लड़की का पेट बाहर आना चाहिए, तो इसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा ही ना मालिक? कहा तो था, इस हिसाब से तो उसे ज्यादा टाइम लगेगा। उस बेचारी लड़की का क्या हुआ होगा? अरे सुन, वो मनप्पा के घर पे कुछ हुआ नहीं? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। घर में कौन कौन है? घर में मालकिन है। और मालिक? मालिक जी तो खेत पर गए। और नंदिनी कहाँ? नंदिनी जी तो नदी पर गई हुई है। ओ, मम्मी। मालिक, वहाँ पर कोई नहीं है। मनप्पा जो है वो खेत पर गया हुआ है, और नंदिनी वो नदी पर गई हुई है। ऐसा है क्या? हाँ। अरे रिंग पे रिंग बजाइए, और ये उठा ही नहीं रहा। भाई रात को बहुत मेहनत की होगी ना, तो इसलिए थोड़ा सुस्ता रहे होंगे वो। हाँ, हेलो, कहाँ पर है तू? जिंदा हो कि नहीं ये पूछने के बजाय कहाँ हो आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो पापा? ए, क्या हुआ, मुझे सारी बात बता। मैं जब उसके घर गया, आई 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 हाय हाय, पूरी तरह रेडी होकर लेटी है। मैं आया जानू, आई खाना तैयार है। कंट्रोल कंट्रोल, पैर ऐसा है तो चेहरा कैसा होगा? जरा पर्दा तो हटाओ। उस दिन भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। उस दिन मतलब? मैं जब गांव आ रहा था तो मेरा हाथ पैर चेहरा वगैरह सब तोड़ फोड़ के रख दिया था। ये वही लड़की थी। हाँ? उसके दिए हुए ट्रीटमेंट के बाद आपका वंश आगे बढ़ेगा या यहीं रुक जाएगा, पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। क्यों मरना चाहती हो तुम? तू नंजे घोड़ा का खून कर देगा। तू चिंता मत कर, मैं उसे मार दूंगा। नहीं, मैं मर जाऊंगी, उसे मार। अरे क्यों जिद कर रही है? ठीक है, मैं नंजे घोड़ा को मार दूंगी, तुम नीचे उतरो। चलो पक्का, मैं कह रही हूँ ना, मैं उसे मारूंगी। चलो नीचे उतरो। अच्छा अच्छा, चलो मैं नंजे घोड़ा को जरूर मारूंगी। लड़की है या राक्षसी, मेरा बेटा गाँव छोड़ने पर मजबूर हो गया है। और तू बाप है क्या, दलाल है जो अपने बेटे को एक लड़की के पास भेजता है? ए, क्या बकवास कर रही है? ए, ऐसे हंस क्यों रही है? जिसने
सबको धोखा दिया, वो चाहे कि लोग उसकी इज्जत करें तो उसे पागलपन कहते हैं। जैसे तू दूध की धुली हुई है, पैदा हुई कहीं और माँ किसी और को ही कह रही है। तो ये सब कुछ इसलिए कर रही है ताकि मनप्पा की ज्यादा धड़प सके। हाँ सही कहा ना डुप्लीकेट। क्या बोला बे? डुप्लीकेट 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 है तू। यस मैं डुप्लीकेट हूँ। मेरे आने का कारण यही है कि तेरे जीजा की जो 400 एकड़ जमीन है, गहने हैं, करोड़ों रुपए कैश है, ये सब तेरी आंखों के सामने से उड़ा कर ले जाऊंगी मामा। ए, तू इस गांव से बचकर नहीं जा सकती, तेरी लाश जाएगी यहाँ से। मेरी लाश की तो तू छोड़ दे, तेरी लाश का एक भी टुकड़ा यहाँ नहीं मिलेगा। बिन लादेन की तरह कब्र भी नसीब नहीं होगी तुझे। बिना क्रिया कर्म के तेरी आत्मा इधर उधर भटकती रहेगी। अरे तेरी तो क्यों बे, मौत से डर गया क्या मामा? अगर ऐसा है तो तेरे पास जितने पैसे हैं और जितनी भी प्रॉपर्टी है बस उसी में खुश रहे, और मुझे दोबारा मिल गया तो मार डालूंगी। अबे तुम लोग यहाँ पुतले के जैसे खड़े हो, कोई नाटक चल रहा है क्या यहाँ पे? अरे जाओ मारो उसे। भाई हमें पता होता है कि ये लड़की वही है तो हम आते ही नहीं। तेरी तो सारे के सारे डरपोक हो तुम लोग। ये सब तो पहले ही मेरे हाथों से पिट चुके हैं। वो खड़ा ना वहाँ पीछे, उसे भेजो। अबे उसे, आना, आगे, आना आना जल्दी आ। अरे नहीं नहीं भाई मुझे नहीं खेलना है, मैं जा रहा हूँ। क्या कर रहा है? भाग रहा है। भागो। मार दो उसे नंदिनी, मार दो उसे, छोड़ना मत उसे नंदिनी, मार डालना। ए गुलाम, रानी रोज कार्ड में मिलती है यार, लेकिन बुलेट रानी आज तक नहीं मिली। भांजे गाड़ी ऐसे क्यों रोक दी? हेलो गाड़ी आगे लो। आह भांजे उधर देखो भांजे। क्या है? हमारी पैंट शर्ट वाली बुलेट वाली। हम नसीब के पीछे भाग रहे हैं और नसीब हमारे पीछे पीछे आ रहा है। भांजे अपना ग्लास निकालो और ये ग्लास पहन ले, कलर्स को देखने के लिए कलर ग्लासेस होना जरूरी है। अरे यार ये तो आईपीएस ऑफिसर की तरह दिख रही है। भांजे 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 अपने कान नजदीक लाओ, मेरी बात ध्यान से सुनो। कान में क्या बोलना है बे? इधर आओ, यही सही मौका है भांजे, उसके पास जाकर किस करो। क्या तू पूरी बात तो सुन लिया करो, पीछे आओ। उसके पास जाकर आपके दिल में जो कुछ भी है बोल दो। बोल देता हूँ, बोल देता हूँ। ए ऐसे नहीं यार, मैं अपने बारे में खुद तारीफ करूँ तो अच्छा नहीं लगेगा ना। महाराजाओं के आगे पीछे कुछ तारीफ करने वाले होते हैं ना, वो क्या हाँ, कहते हैं उन्हें? चमचा कहते हैं। हाँ, चमचा वो तू है। उसके पास जाके मेरे बारे में फुल बिल्डअप 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 दे। ठीक है जाके सब बोल दूंगा। ए गाड़ी आगे लेना। वो सब तो ठीक है, पर मेरे बॉस आपको बुला रहे हैं, उनको कुछ बात करनी है। वो कहीं का महाराजा है क्या? नहीं वो आपसे प्यार करते हैं। दुनिया में इससे बड़ा रोग और कोई नहीं है, चल। क्या है बे? वो क्या है कि मैं तुम्हें देख के ना थोड़ा इमरान हाशमी की तरह हो गया हूँ। वो सब छोड़ना, बात क्या है वो बोल। इसने बताया नहीं क्या? बताया मैंने। बताया ना इसने, बहुत बड़ा रोग है तुझे। तेरा रंग काला है कोई बात नहीं, बाल भी काले होते हैं, कोयला काला होता है और उसी में से तो हीरा निकलता है। जो मेरा पति बनेगा उसके हाथों में ताकत, पैसों का पावर, ख्याल रखने की समझ और साथ ही साथ दिल में जो है वो कहने की हिम्मत होनी चाहिए। मैं रोज जिम जाता हूँ। वेस्ट है, क्योंकि मैंने जो भी कहा वो सब कुछ तो इसके पास है। हाँ जशुना। लेकिन लव तो मैं करता हूँ ना। लव क्या फायदा, बोलने का दम तो नहीं है ना, तो मंडप पे बिस्तर पे बच्चे खिलाने के लिए इसे भेजेगा क्या? नहीं नहीं दैट इज रॉन्ग। संभाल कर चला करो।